डरे नहीं है, वो वहां पर आया, उसने बोला है कि 6 बजे के बाद मैंने तुम्हारे ऊपर पर्चे करने हैं, मैंने क्यादत पे नहीं करने। वो उसको डरा के गया बेचारे को, जो मजदूर आदमी है। अच्छा, जी, ये वाला, हाँ ये वाकया मैं सुन रहा था, ये ज्यादती है, कितनी की ज्यादती कर लेंगे। हुसैन भाई आज मैंने आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा यजीद के बारे में, फिरौन के बारे में, शिदाद के बारे में। ओ यार खुदा के बंदो, समझानी आपको चैन नहीं आया, आपने जब बाहर निकला फिर भी दुनिया निकल आई। खुदा के बंदो, ओ होश के नाखून लो, खुदा के बंदो इन लोगों को काउंट करो, इनको समझो। अगर ये लोग बिफर गए और आपकी तरफ चल पड़े तो दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकेगी। सिर्फ एक ही बंदा है जो डाला जेल में बैठा है, ये सारे उसके कहने में है, ये वही रोक सकता है और इनको कोई नहीं रोक सकता। ये आप देखे कितनी बड़ी ये कर रहे हैं, पहले रास्ते रोके। हम कल जब मैं मीनार पाकिस्तान आया, वहां हमारी पहली गिरफ्तारी हुई, वहां पर ताले लगे, हमारा एक दोस्त हमारे साथ अरेस्ट हुआ। फिर उसके बाद हम सारी रात घूमते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी जल्लो पारा, कभी रात सारी इन्होंने मंजूरी नहीं दी। लेकिन फिर भी आप देखें कि कौम निकली है, बच्चे निकले हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा जाके काना में जलसा दिया कि लोग शायद यहाँ ना पहुंचे, लेकिन आज जिस तरह आवाम निकली क्या कहेंगे। हुसैन मैं आपको ये गारंटी से लिख देता हूँ, ये लाहौर के लोग जहाँ भी भेज दे हमें कहना कि समुन्द्र में जलसा करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहुंचूंगा। आपको पता मैं पहुंचूंगा, कफन कफन पहनूंगा, सिर पे आज भी कफन पहना हुआ, आज भी कश्तियां जला के आया था कि मेरे कप्तान ने कहा कश्तियां जला के आओ, ये कफन है हमारा, ये इसी में कहा हुआ है, मेरा कार्ड मौजूद है कि जब भी हमें कुछ हो जाए इसी जगह में दफना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर जलसागाह के बाहर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं, लाइट्स बंद कर दी गई, इवन के जो हैबर पख्तूनहा का जो काफिला है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ नहीं पहुंचा था। अभी जो लोग हैं वो जलसागाह से वापस आ रहे हैं, लोगों से बात भी करेंगे, पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं, जिस तरह लाइट्स बंद की गई, जिस तरह वालेकुम सलाम, खैरियत है, सो लाइट बंद हो गई है जी। सो आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और अब वापसी की जानब जा रहे हैं। सो ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये मंदिर है इस टाइम लाहौर जलसागाह का। बाकी आइए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, इनके जज्बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए थे, लाइट्स बंद कर दी इन्होंने जो किया। रामपुर से आए और हमें लीडरशिप ने कुछ नहीं बताया, हमने देखा ऐसा नमाज की वजह से रुके हैं। अब उसके बाद हम लोग जिससे पूछते हैं किसी को भी नहीं पता, यहाँ के मुकामी लोग है वो कहते जी 3 लेडीज ने कंपेन की, इधर तो किसी ने की, लेकिन आप कर रहे हैं टाइमिंग को इश्यू है, कम से कम वो लोगों को तो बताएं जो इतने दूर से सफर कर गए हैं। हम कल से सोए ही नहीं है, पूरे दिन सफर किया है, ठोकर के ऊपर पुलिस वालों को पैसे दे के आए हैं, आने नहीं दे रहे थे, हम यहाँ पहुंचे आप जा रहे हैं, हमें तो बताएं। रहीम यार खान से आए, इतना दूर से आए, 2 घंटे सिर्फ जलसा हुआ है और पता ही नहीं है क़यादत चली गई है और कुछ भी पता नहीं है कि हम क्या करें, यहाँ पे जलसा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बताया गया, आगे का नेक्स्ट प्लान नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना है आप। ठीक है, वालेकुम सलाम, कहाँ से हैं आप? जिला रहीमर खान से। क्या कहना चाहेंगे, लाइटें इन्होंने बंद कर दी अचानक? ऐसे ही है सर, हमें कुपयत नहीं पता नहीं है, क़यादत हमारी पता नहीं कहाँ चली गई है, हम उधर खड़े हैं कि अली अमीन गनापुर आएगा तो खिताब करेगा, तो रस्ते में थे वो तो फंसे हुए थे, उसके बाद बकाया जो क़यादत थी वो भी चली गई है और सबको छोड़ के। तो आप ये देख सकते हैं जी, वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, वालेकुम सर जी, ये इतना जुल्म, लाइटें बंद कर दी, डर गए हैं वहाँ से, क्या हुआ है? नहीं डरे नहीं है, वो वहाँ पर आया है, उसने बोला है की 6 बजे के बाद मैंने तुम्हारे ऊपर पर्चे करने हैं, मैंने क़यादत पे नहीं करने। वो उसको डरा के गया बेचारे को, जो मजदूर आदमी है। अच्छा, जी, ये वाला, हाँ ये वाकया मैं सुन रहा था, ये ज्यादती है, कितनी की ज्यादती कर लेंगे। हुसैन भाई आज मैंने आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा यजीद के बारे में, फिरौन के बारे में, शिदाद के बारे में। ओ यार खुदा के बंदो, समझानी आपको चैन नहीं आया, आपने जब बाहर निकला फिर भी दुनिया निकल आई। खुदा के बंदो, ओ होश के नाखून लो, खुदा के बंदो इन लोगों को काउंट करो, इनको समझो। अगर ये लोग बिफर गए और आपकी तरफ चल पड़े तो दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकेगी। सिर्फ एक ही बंदा है जो डाला जेल में बैठा है, ये सारे उसके कहने में है, ये वही रोक सकता है और इनको कोई नहीं रोक सकता। ये आप देखे कितनी बड़ी ये कर रहे हैं, पहले रास्ते रोके। हम कल जब मैं मीनार पाकिस्तान आया, वहां हमारी पहली गिरफ्तारी हुई, वहां पर ताले लगे, हमारा एक दोस्त हमारे साथ अरेस्ट हुआ। फिर उसके बाद हम सारी रात घूमते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी जल्लो पारा, कभी रात सारी इन्होंने मंजूरी नहीं दी। लेकिन फिर भी आप देखें कि कौम निकली है, बच्चे निकले हैं। ये इन्होंने कहा जाके काना में जलसा दिया कि लोग शायद यहाँ ना पहुंचे, लेकिन आज जिस तरह आवाम निकली क्या कहेंगे। हुसैन मैं आपको ये गारंटी से लिख देता हूँ, ये
लाहौर के लोग जहां भी भेज दे हमें, हमें कहना कि समुंदर में जैसा करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहुंचूंगा। आपको पता मैं पहुंचूंगा, कफन कफन पहनूंगा सिर पे, आज भी कफन पहना हुआ, आज भी कश्तियां जला के आया था, मेरे कप्तान ने कहा कश्तियां जला के आओ, ये कफन है हमारा, ये इसी में कहा हुआ है, मेरा कार्ड मौजूद है कि जब भी हमें कुछ हो जाए इसी जगह में दफना दिया जाए। देखिए जी, ये लोगों की मोहब्बत है इमरान खान से, तो आप ये देख सकते हैं जी। ये आइए, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए थे आप? फैसलाबाद से आए थे, लाइटें बंद कर दी, डर गए हैं, हुआ क्या? पता नहीं क्या हुआ जी, डर गए हैं या नहीं डरे ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि ये बुरा हुआ है। ये जमहूरियत है, जमहूरियत का ये तरीका नहीं है। जब इनके अपने द्वार होते हैं तो ये रात के 12-12 बजे तक लोगों को बुला के जलसा करते हैं, लेकिन आज ये PDI के लोगों का जलसा है तो टाइम दे दिया है 3 से 6। ये बहुत ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती की है उन्होंने। ठीक है, देखें जी, ये आज लोग बहुत गुस्से में हैं।